जम्मू कश्मीर के सारे ही अपर रीचेस और कुछ प्लेन्स में पिछले दिनों में देखने मिली बर्फबारी, और इस बर्फबारी के साथ जम्मू कश्मीर के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे वहाँ पर टूरिस्ट का हेवी रश देखने को मिलता था। चाहे आप लोकल टूरिस्ट की बात करें जो कश्मीर के अन्य इलाकों से गुलमर्ग जैसे एरियाज का रुख करते थे, वहाँ पर जाकर के बर्फ़ का मज़ा लिया करते थे, वहीं दूसरी तरफ नेशनल इंटरनेशनल ट्रेवलर्स भी जम्मू कश्मीर आया करते थे हर साल इस महीने टूरिज़्म का एक सपोर्ट बनने के लिए। धारा 370 के निलंबित होने के बाद से लगातार अभी तक जम्मू कश्मीर को झटके ही मिल रहे हैं। सबसे पहले धारा 370 खुद में एक झटका थी, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा भी स्थगित करी गई, और उसके बाद वहां पर आए हुए जितने भी यात्री थे उन्हें भी घर भेजा गया। उसके साथ जितने भी मौजूद टूरिस्ट सैलानी जम्मू कश्मीर में थे उन्हें भी घर भेजा गया, और तब से लेकर अभी तक स्ट्रगल कर रहा है जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म डिपार्टमेंट। कोविड-19 भी मार्च के महीने में एक झटका बनकर जम्मू कश्मीर आया, जिसके बाद कोविड प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए गए, और उन कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक कोई भी सैलानी नहीं आ रहा है। हम कोई भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल के 30-25 लाख सैलानियों के मुकाबले इस साल अभी तक महज रिकॉर्ड्स अनुसार 19,000 के आसपास ही सैलानी जम्मू कश्मीर आए हैं, और ये रिकॉर्ड्स इतने ख़राब हैं कि टूरिज़्म सेक्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आप ये कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म सेक्टर से सिर्फ टूरिज़्म डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड एफिलिएटेड जितने भी इनकम जनरेटिंग सोर्सेज होते हैं वो भी रिलेटेड है। आप हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, आर्टिक्राफ्ट्स की बात करें, होटलर्स की बात करें, टैक्सी ओनर्स की बात करें, शिकारा ओनर्स की बात करें, या फिर आप किसी भी ऐसी एफिलिएशन की बात करें जो टूरिज़्म से रिलेटेड है, वो पूरी तरह से अभी तक ख़त्म हो चुके हैं, और गवर्नमेंट उनको कहीं पर भी रिवाइव करने के लिए अभी तक कोई सक्सेसिव प्लान लेकर सामने नहीं आई है। ये बताया ज़रूर गया था कुछ समय पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा कि 50% इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स में कट ऑफ मिलेगा, वहीं उसके साथ साथ 5% जो 12 महीने का इंटरेस्ट कट ऑफ मिलेगा, लेकिन वो अभी तक कहीं पर भी सहायक साबित नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के इन टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए लोगों के इस लॉस को बराबर करने में। जम्मू कश्मीर के अंदर आज का महीना हर साल टूरिस्ट का हेवी रश लेकर आता था। नवंबर के सेकेंड हाफ के बाद से विंटर सीज़न की जितने भी टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो शुरू हुआ करती थी, और बर्फ़ को पसंद करने वाले जितने भी टूरिस्ट थे, सैलानी थे, वो जम्मू कश्मीर आया करते थे। वो अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। गुलमर्ग के हमने नज़ारे देखे कल, किस तरह से गुलमर्ग में बर्फ़ तो थी लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। पहलगाम में बर्फ़ पड़ी लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। सोनमर्ग में बर्फ़ पड़ रही है लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। यानी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो सैलानी है वो खुद से नहीं आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं नेशनली, इंटरनेशनली और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, जिससे टूरिज़्म को इंक्रीज़ करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। श्रीनगर के अंदर वर्ल्ड टूरिज़्म डे सेलिब्रेट किया गया, डल में शिकारा रेसेस ऑर्गेनाइज की गई, साइकिल रेसिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, डिफरेंट कॉन्क्लेव्स किए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, लगातार पिछले एक साल से किए जा रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। यानी हज़ारों रुपये, लाखों रुपये सरकार के खाते से सरकारी कर्मचारी खर्च रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स करने के लिए, टूर्स करने के लिए, लग्जरी होटल्स में रुकने के लिए, लेकिन अभी तक उसका आधा भी जम्मू कश्मीर में रिटर्न इन्वेस्टमेंट टूरिज़्म के नाम पर नहीं हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म इंडस्ट्री ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ कश्मीर की नहीं, जम्मू की भी अगर हम बात करें, आपको याद होगा सनासर से लेकर मानसर की आप बात करें या फिर अन्य जगहों की आप बात करें, अभी तक कहीं पर भी जो टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनमें कोई भी इंक्रीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान और कैमरा मैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू। सत्या, कहाँ से आप? मैम, हैदराबाद से। फर्स्ट टाइम, वी रियली लव्ड इट, वंडरफुल प्लेस। वी आर गोइंग टू सजेस्ट टू आवर फ्रेंड्स आल्सो, नाइस प्लेस टू विजिट, वन ऑफ द डेस्टिनेशन प्लेस। वी वॉन्ट टू गिव ओनली मैसेजेस, दिस इज अ वेरी लवली प्लेस टू एनी पीपल, एवरी वन कैन कम एंड विजिट। Negative perception is being circulated on social media or other media platform about Kashmir. Do you know you are in ground zero? No, you can actually, we can publicly circulate this. This is a place to visit, a great tourism place. We can suggest this. कहना चाहूँगी कि मैं बिहार से आ रही हूँ, तो हम लोग जैसे मैदानी एरिया से आते हैं तो वहाँ पे इस तरह के एनवायरनमेंट देखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ सब लोग एक बार यहाँ आएँ और इन्जॉय करें, फुल फैमिली आए, और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो मैं सबके लिए, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी।